जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस जो सबसे बड़ी वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी अब कोर्ट की राह पकड़ ली है और उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में पूरी तरह से यह चीज़ निकाला गया है। और साथ ही साथ बात करेंगे AGTA भर्ती सूचना के बारे में और ट्यूबल ऑपरेटर भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम ट्यूबल ऑपरेटर भर्ती के बारे में, जिनमें 6,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। और एक RTI का रिप्लाई जो आया था और उसमें कहा गया था कि लगभग 6,604 सीट खाली है। और पहले इसके पहले जब पेपर में कटिंग आया था, देखिए किस किस जगह कितने पोस्ट खाली हैं। लिपिक में 2,375, सीचपाल में 4,587, मुंशी के, हेड मुंशी के, नलकूप चालक के 5,724 पोस्ट। ये लगभग 1.5-2 साल पुराना डेटा है, ठीक है। और तब 14,000 सीटें खाली थी सिंचाई विभाग में, लेकिन अब सोचिए 1.5-2 साल में कितनी ज़्यादा सीटें और खाली हैं। अभी भी कोई वैकेंसी तब से नहीं निकाली गई है। तो देखिए, UPSSC की तरह जो भी वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, तब जाके वैकेंसी निकाली जा रही है। वहीं सिंचाई विभाग की बात करें नलकूप चालक के यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की सीट जो है 6,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव होंगे तो 2022 के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, अन्यथा 2023 के पेट के माध्यम से आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव हैं तो आप जनवरी मंथ में अगर चलना चाहते हैं तो आप लोग अपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग तैयार हैं, ठीक है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और रणनीति बनाई जाएगी यहाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के लिए। बाकी ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो सिंचाई विभाग में आपको भर्ती देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि तो सीट खाली है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पुलिस में। देखिए, पुलिस भर्ती कोर्ट पहुँच चुकी है उम्र सीमा में छूट के लिए लेकर। तो आज के न्यूज़पेपर में देखिए निकला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा आयु सीमा में छूट देने का मामला। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु की सीमा में छूट के लिए अर्जी दाखिल की है। याचिका पर शीतावकाश के बाद जो है काश के बाद सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था कि 2017 से 20 तक प्रत्येक वर्ष में 30,000 भर्तियां की जाएंगी, वो भी अगस्त माह में निकालेंगे, समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। लेकिन 2018 में 41,520 और 49,568 की दो भर्तियों के बाद से अब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। तो हालांकि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अभ्यर्थियों की जो है उम्र जो है ओवर एज हो चुकी है, तो इसके वजह से जो मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और काफ़ी अभ्यर्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि इसमें एज की छूट जो कम से कम 3 से 4 वर्ष देनी चाहिए। अब देखिए, मामला कोर्ट पहुंचा, इसके विषय में जो आगे होगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा। बाकी 3 से 4 वर्ष आई होप इसमें छूट मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लेखपाल रिजल्ट के बारे में। तो लेखपाल रिजल्ट के रेफरेंस में आज देखिए 26 तारीख है, तो आज UPSSC में मीटिंग है। उम्मीद है आपको 31 दिसंबर से पहले लेखपाल का रिजल्ट हर हाल में देखने को मिलेगा। बाकी शाम तक जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो रिजल्ट के बारे में काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था। तो वीडियो का रिजल्ट आपको लेखपाल रिजल्ट के बाद और PET रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं JEE विज्ञापन के बारे में। तो JEE का विज्ञापन आपका पूरी तरह से तैयार है, या PET 2022 के माध्यम से ही आना है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, PET 2022 के माध्यम से ही JEE का विज्ञापन आएगा। विज्ञापन लेखपाल के रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ASO और कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट के बारे में। तो ये भी कंबाइंड टेक्निकल की वैकेंसी 2016 की है, तो कंबाइंड टेक्निकल वाले भी थोड़ा पेशेंस रखें, बस आपकी वैकेंसी कंप्लीट होने ही वाली है। मतलब कि लेखपाल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे ASO हो या कंबाइंड टेक्निकल, जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको कंबाइंड टेक्निकल और ASO का दोनों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करें वन दरोगा की, तो वन दरोगा का फिजिकल हमने बताया था, कई वीडियो में बताया कि वन दरोगा का फिजिकल आपका जनवरी लास्ट में और फरवरी, हमने बताया था 15 फरवरी के पहले किसी भी हालत में आपका
वन दरोगा का फिजिकल हो जाएगा। और यहाँ पर एजीटीए भर्ती के बारे में बात करें तो एजीटीए भर्ती के लिए आज विशाल धरना है, तो एजीटीए वाले बिल्कुल तैयार हैं, जो लखनऊ के नज़दीक रहने वाले हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि वीडियो आज सुबह नहीं बना पाए। तो 26 दिसंबर और स्थान है आपका UP SSC पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। तो सुबह 8 बजे पहुंचना था, तो जितने लोग नहीं पहुंचे हैं लखनऊ के आसपास के हैं तो सभी लोग पहुंचे हैं एजीटीए के विज्ञापन के लिए। और अभी देखिए पेट का 2022 की वैलिडिटी 24 जनवरी तक है, तो इसके पहले आप लोग थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो एजीटीए का विज्ञापन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। और मंडी परिषद के बारे में बात करें तो मंडी परिषद का भी रिजल्ट आपको थोड़ा सा पेंडिंग है, अभी इसके विषय में कुछ कहना मुश्किल है, तो जो इसके विषय में अपडेट होगी आपके साथ बता दिया जाएगा। बाकी अगर आज चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। और इस चैनल की खास बात है क्या, जितना चीज़ें हमने बताई हैं अभी तक हर बात सत्य हुई है, तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपको इसके अकॉर्डिंग आगे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।